हाय गाइस, मैं अजय कंबोज और आज हम कुछ क्वेरीज के बारे में बात करेंगे। क्वेरीज कुछ इस तरह है कि मेरा खुद का रूम है जिसमें मैं मेडिकल डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करना चाहता हूं, तो कुछ क्वेरीज हैं उनसे रिलेटेड हम यहां पे बात करेंगे। तो उनकी जो क्वेरीज है वो कुछ इस तरह है। जो पहली क्वेरी है, क्वेरी वाइज क्वेरी बात करेंगे। जो फर्स्ट क्वेरी है वो है, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रेंचाइजी दो डिफरेंट है या सेम है? अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, फ्रेंचाइजी की बात करते हैं, तो वो टोटली डिफरेंट भी हो सकती है, टोटली सेम भी हो सकती है। जब हम बेसिकली फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो उसमें हम जनरली क्या मानते हैं कि आपने किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन ली है और कंपनी के खुद के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, खुद की सेल्स टीम है, और वो आपको ऑर्डर ला के देती है, आप वहाँ पर सप्लाई करते हो और पेमेंट कलेक्शन करते हो। जब फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट में वहाँ पर आते हैं, जब फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पे आपने किसी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन ली है और आप खुद ही की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो और खुद ही आप मार्केटिंग कर रहे हो, खुद ही या तो आप खुद एज ए सेल्स पर्सन काम कर रहे हो या आपने अपनी ही सेल्स टीम रखी हुई है, उसके कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। बेसिकली ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। कभी कभी वो दोनों सेम भी हो जाती है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही वे में होती है, लेकिन थोड़ा सा उनकी मार्केटिंग टाइप में डिफरेंस आ जाता है। तो इसीलिए हम जो मेडिकल डिस्ट्रीब्यूशन है और जो फ्रेंचाइजी है उनको दो अलग अलग कॉन्सेप्ट में ही रखते हैं, दो अलग अलग मार्केटिंग टाइप में ही रखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि मेरे जो एरिया है उसके आसपास ड्रग इंस्पेक्टर ऑफिस कौन सा रहेगा? तो ये हमारे लिए बता पाना थोड़ा मुश्किल है। आप किसी केमिस्ट से पूछ सकते हो अपने एरिया में कि ड्रग इंस्पेक्टर ऑफिस कहाँ पे है, या अपने जो वेबसाइट पे जाके जो आपके स्टेट ड्रग कंट्रोल ऑफिस की वेबसाइट होगी वहाँ से भी आपको डिटेल मिल सकती है कि आपका नियर बाई जो ड्रग इंस्पेक्टर ऑफिस है वो कहाँ पे पड़ता है, तो वहाँ से भी आप डिटेल ले सकते हैं। तीसरा जो इनका डाउट है वो कुछ इस तरह है कि उस केस में ओनरशिप प्रूफ कौन सा रहेगा कि मेरा खुद ही घर में मेरे कमरा बना हुआ है और मैं उसको ही डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज करना चाहता हूँ। पहले वो किसी और पर्पज के लिए यूज था, लेकिन अब मैं उसको मेडिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज करना चाहता हूँ। तो क्या होगा कि देखो, सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये रहेगी कि जो आपका वो रूम है वो बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए, क्योंकि अगर वो घर के अंदर है या जो उसका एंट्रेंस है वो मेन डोर से आपके घर के अंदर से ओके जाना पड़ता है, तो वहाँ पे आपको ड्रग लाइसेंस मिलने की संभावना कम हो जाती है। उसका जो एंट्रेंस होना चाहिए बिल्कुल ही सेपरेट होना चाहिए, और जो आपका रेजिडेंस है उसमें उसका कोई भी इंटरफेरेंस आपके उस रूम में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही सेपरेट एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, बिल्कुल ही सेपरेट रूम होगा तो तब आपको वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस मिल सकता है। अगर ओनरशिप प्रूफ की बात करते हैं तो ओनरशिप प्रूफ, अगर आपका जो रूम है वो घर के अंदर ही आपका अपना है, तो उसमें जो प्रूफ लगता है वो आपके ओनरशिप के प्रूफ लगते हैं, जैसे आपकी रजिस्ट्री वगैरह होगी, या अगर आपके नाम नहीं आपके फादर के नाम है तो उनसे आप अपने बेसिस पे रेंट एग्रीमेंट ले सकते हो। तो इस तरह के प्रूफ आप वहाँ पे दे सकते हो। कुछ भी आप ड्रग ऑफिस से कंसल्ट कर सकते हो, वो आपको ज़्यादा अच्छी तरह बता देंगे कि आपका ये ओनरशिप प्रूफ चल सकता है नहीं चल सकता है। और जो लास्ट क्वेरी है वो है, ये है उनकी कि जो B.SC. सर्टिफिकेट होता है वो एप्लीकेबल होता है या नहीं होता है। डिस्ट्रीब्यूशन में मैं कई बार बात कर चुका हूँ कि आपके दो तरह से आप वहाँ पे लाइसेंस ले सकते हो, या तो आप फार्मासिस्ट हो या फिर आप एक्सपीरियंस पर्सन हो। अगर आपको B.SC. के बेसिस पे लाइसेंस लेना है तो आपको उसके साथ एक साल का कम से कम किसी होलसेल फार्म पे एक्सपीरियंस होना जरूरी है, उसके बाद आप होलसेल ड्रग लाइसेंस के लिए एप्लीकेबल हो जाते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।